Hello guys, welcome to the channel Learning Tutorials. So today we are going to study the chapter number 12, that is Electromagnetic Induction part number 3. So हमने हमारे channel में जो part number 1 और 2 जो है already upload कर लिया है. अगर आपने अभी तक उन videos को नहीं देखा है तो आप जाकर उन videos को देख सकते हो. Description box में मैं link जो है वो provide करवा दूँगा. So आपका जो electromagnetic induction है, ये हम जो है महाराष्ट्र board के topic से जो है हम cover करने वाले हैं. सो आपका जो भी कंटेंट है वो जो है महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस का होगा. ओके गाइस, सो अगर अभी तक आपने जो है वीडियोस को जो है लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके गाइस, और हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक है ये है एडी करंट. सो गाइस, एडी करंट क्या होता है यहाँ पर? जैसा कि आप डाइग्राम में देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है फोकॉल्ट्स करंट बोलते हैं हम लोग, राइट. सो एडिस करंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोकॉल्ट्स करंट. तो यहाँ पे आप देख रहे हो आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट. सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक आपको जो है यहाँ पे कंपोनेंट दिया हुआ है. सो उसके नीचे जो आप लूप्स देख रहे हो वो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लूप है गाइस, ठीक है. सो और ये जो डिस्क है वो स्पिन हो रहा है. सो आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड करंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. सो एडी करंट फ्लो इन क्लोज लूप विद इन कंडक्टर इन प्लेन परपेंडिक्यूलर टू मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ पे जो है एडी करंट ये फ्लो किस में होगा? विद इन आपके क्लोज कंडक्टर में या क्लोज लूप में होगा, इन प्लेन परपेंडिक्यूलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो यहाँ पे आपका जो लूप्स बना हुआ है ऑलरेडी. सो यहाँ पे फ्लो ऑफ एडी करंट आप बोल सकते हो, फोकॉल्ड करंट इसको बोल सकते हो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो कि क्लोज कंडक्टर में जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है. सो अभी जैसे आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स में भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जो आपका कंडक्टर प्लेट है, एडी करंट लूप है. सो वो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली? सो जैसे बेसिक आपका फिगर नंबर ए है, एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन सॉलिड कंडक्टर प्लेट. सो ये जो है आपका किस में है जो है इसको, सो ये सॉलिड कंडक्टर प्लेट में जो है आपका प्लेस किया गया है. और यहाँ पर जो है आप चार्ज पार्टिकल्स इसको बेसिकली बोल सकते हो. सो ये प्लेन जो है एक सेपरेट डिस्टेंस के थ्रू मेंटेन, प्लेन में जो आपके आयंस है या चार्ज पार्टिकल्स है वो क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन्हें की वजह से वो एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पे लाइक एक मेंटेन्ड वे में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आपके आयंस या चार्ज पार्टिकल. बीच में आपने लूप देखा, वही जो है हमारा यहाँ पे फ्लो ऑफ एडी करंट है. सो मैग्नेटिक फील्ड इनटू पेपर का जो आपने देखा, इसमें कंडक्टर आपका प्लेट हो गया और एडी करंट लूप जो है यहाँ पे. सो सेकेंड जो है हमारा कंडक्टिंग प्लेट स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम. सो इस केस में कैसा होगा यहाँ पर जो फिगर नंबर बी है आपका बेसिकली. सो इसमें जो है यहाँ पे भी जो आपका लूप आपको देखने को मिलेगा और ये जो है आपका प्लेन है यहाँ पे. सो इसी के अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्विंग होगा वो लाइक कैसा होगा? वो पेंडुलम होगा जो कंडक्टिंग प्लेट है ना. सो ये फिगर नंबर ए था, ये फिगर नंबर बी था, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो है प्लेन पेपर में ही यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स रखा गया है. थर्ड नंबर जो है हमारा बेसिकली रिडक्शन इन एडी करंट है. तो यहाँ पे रिडक्शन इन एडी करंट ड्यू टू डिसकंटिन्यूस स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेट. सो जैसा आप प्लेट्स देख रहे हो, एक पहला जो प्लेट है जिसमें इन्होंने बताया है वो कंटिन्यूस है, वहाँ पे लूप है और वो जो था आपका डिसकंटिन्यूस था. ओके, सो अगला हमारा आता है यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का जो टॉपिक है. सो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे क्या होता है? चेंजिंग करंट इन अ कॉइल जो है, यहाँ पे कंपोनेंट आप देख सकते हो, रियोस्टैट है, की है, कॉइल है आपका जो है यहाँ पे कॉइल बना हुआ है जिसके अंदर जो है आपका करंट फ्लो होने वाला है. सो क्या है ये? कंसिडर अ सर्किट कॉइल इन विच द करंट इज चेंजिंग. सो इसमें क्या होगा? बेसिकली आपका करंट जो है वो चेंज होगा जो आपका कॉइल है उसके अंदर. सो करंट जो है यहाँ पे की टर्म है आपका जो कॉइल के अंदर जो है फ्लो होने वाला है. ओके, सो वो कंटिन्यू चेंज होने वाला है. सो वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल सर्किट. सो ये कैसा है नेचर में? ये वेरी होने वाला है आपका. सो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका फ्लक्स है वो लिंक किया गया है विद कॉइल सर्किट इटसेल्फ एंड कॉन्सिक्वेंटली एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द सर्किट. तो जैसे आप जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक किया जाता है आपके कॉइल से, तो उसके अंदर जो है ईएमएफ भी जो है यहाँ पे इंड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ भी जो है आपका यहाँ पे जनरेट होगा.
ओके गाइज, सो आपको की टर्म क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, चेंजिंग करंट विल वेरी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ एंड कॉन्सिक्वेंटली ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन सर्किट. सो अभी आप जो ये फॉर्मूला देख रहे हो, एल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन आई. सो यहाँ पे म्यू का वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट है, जो कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है. और जो आपका म्यू आर है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है, डायमेंशन लेस है बेसिकली. इसका वैल्यू इन्होंने प्रोवाइड किया है 1 फॉर एयर के लिए, ये भी वेरी करेगा गाइस. ओके, सो यहाँ पे जो एल है आपका इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है इन हेनरीज में. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक और यहाँ पे इन्होंने बताया है आर विद डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर से लेके बॉडी के डिस्टेंस तक जो है यहाँ पे, यानी ये जो है क्लोज्ड आपका कंडक्टर है, राइट. सो और डिस्टेंस जो है लेंथ जो है इसका लेंथ एल है. एन जो है यहाँ पे बेसिकली आपका नंबर ऑफ टर्न्स होने वाला है, और यहाँ पे एवरेज लेंथ जो है आपका एल से डिनोट किया गया है, और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर में होगा, एरिया जो है आपका पायर स्क्वायर है, ठीक है. सो यहाँ तक आपको क्लियर है ये टॉपिक, देख लीजिए एक और बार, आप पॉज करके देख सकते हो. सो अगला जो है हमारा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस है. सो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, जैसा कि हमें पता है ई का वैल्यू क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी होता है, तो ये कॉमन टर्म है. यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, इंड्यूस्ड ई एम एफ ई को हम कैसे लिखते हैं, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. इक्वेशन नंबर इन्होंने दिया हुआ है 12.27, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. सो उसके अकॉर्डिंग जो है आप एल डी आई अपॉन डी टी लिख सकते हो, राइट. सो ई का वैल्यू आप कैसे लिखोगे, ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी आप लिख सकते हो यहाँ पे. सो जैसे डी फाइव बाई डी टी है, तो डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, जो कि होगा आपका एल डी आई हो जाएगा, राइट. सो जैसा आप देख रहे हो, ये हेनरी का क्या हो गया आपका, यहाँ पे हेनरी का यूनिट हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपका हेनरी. सो इंडक्टेंस का हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हेनरी बोलेंगे. अगला है हमारा इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड. सो इफ अ करंट आई इज द एस्टैब्लिश इन वाइंडिंग्स टर्न ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, द करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेंट्रल रीजन. ओके, सो यहाँ पे जो है आपका ड्यू टू वाइंडिंग टर्न्स है, जो आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स है इन अ लॉन्ग सोलेनोइड, द करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो यहाँ पे करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा आपके सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है. सो यहाँ पे अगेन वही सारी चीज़ दी गई है आपकी, जो आपका हो गया एल इंडक्टेंस हो गया आपका, जो एल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड इज गिवन बाय एन फाइव एन बाय आई, वेयर एन का दिया नंबर ऑफ एन टर्न्स दिया हुआ है, एन फाइव एन जो है इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दिया हुआ है सब चीज़ के लिए, आप रीड कर सकते हो. एन फाइव इज इक्वल्स टू एन एल बी डॉट ए इन्होंने दिया है यहाँ पे, राइट. सो एन का वैल्यू एन इंटू एल हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे. देखो एन एल का मतलब क्या हो गया, एन एल बी ए हो गया आपका, किसका वैल्यू हो गया यहाँ पे एन फाई का, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का. एन जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू लेंथ हो गया, यानी स्मॉल एन इंटू एल लेंथ, राइट. और बी ए आपका जो है फ्लक्स का वैल्यू हो गया, यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू ए बी होता है, जैसा हमें पता है रेगुलर बेसिस पर जो उसका फॉर्मूला है. सो ए आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सोलेनॉइड है, तो बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट एन आई बी लिखते हैं, राइट. तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बी ए की जगह पर जो है बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जैसे कि एन एन फाइव का एन फाइव अपॉन आई का जो है एल के बराबर होता है, वो एल इज इक्वल्स टू एन फाइव अपॉन आई है ना. सो जैसे हम लोग अगर एन फाइव को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें एन एल बी ए अपॉन आई मिल जाता है वो, राइट. सो एन एल बी ए अपॉन आई लिख दिया, और उसके बाद जैसे आप देख रहे हो थर्ड टर्म है हमारा म्यू एन अपॉन म्यू नॉट इंटू एन आई जो है. सो हमने क्या किया, बी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. सो म्यू नॉट जो हमारा एन आई है, सो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना. दो बार अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. एक और बार मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ को. सो देखो, सो यहाँ पे ये इतना तो आप समझ गए ना, एल इज इक्वल्स टू ई डी आई बाई डी टी, यानी ये जो है ई का वैल्यू है. सो ई का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, डी फाइव बाई डी टी. तो इतना टर्म आपको समझना पड़ेगा, ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए. सो ई का वैल्यू हमने लिख दिया डी फाइव बाई डी टी, राइट. सो ये आ गया. अभी फ्लक्स का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, एल आई लिखते हैं, है ना. सो फ्लक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी ए बी लिखते हैं.
सो फ्लक्स का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे एल आई हो गया, एन डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स जो भी रहेगा, सो एल आई अपॉन एन भी लिख सकते हो आप या एल आई भी लिख सकते हो। सो फ्लक्स का वैल्यू दूसरा होता है बी ए होता है, तो जैसे ई का वैल्यू यहाँ पे एल आई डी अपॉन डी टी है इंटू डी अपॉन डी टी है, सो एल को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे ई एल इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन डी आई बाई डी टी लिख सकते हो, बराबर। मतलब शिफ्ट कर दिया हमने बेसिकली और कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू जो है शिफ्ट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी मिल जाएगा, है ना। सो इतना लिखने के बाद आपको ये तीन टर्म मालूम पड़ गया, ई का वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू। सो अभी जो बी ए का वैल्यू है यहाँ पे, जो एन का वैल्यू है एन एल है, बी ए का वैल्यू जो है वो फ्लक्स है। तो इधर तक आपको समझ में आ गया कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ। सो यहाँ पे जो है म्यू नॉट एन आई कैसे आया, जब हमने बी को फर्दर अगेन वापस से सब्सटीट्यूट कर दिया बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई में, सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है टर्म एन एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए अपॉन आई। सो फाइनल टर्म हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए आ जाता है, राइट। सो देयरफॉर द इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड इज, सो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा एल अपॉन एल आएगा यहाँ पे। सो ये एल जो है हमारा इंडक्टेंस का है कैपिटल एल, और स्मॉल एल जो है हमारा लेंथ है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सो उसके बाद हमने क्या कर दिया ए का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर में, क्योंकि क्या होता है एरिया ऑफ सोलेनाइड क्या होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर होता है। सो ये आपको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। सो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ हमारा क्या आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, एकदम है ना, नेट क्लियर हो चुका है। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ और बार आपको जो रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखो, अगर आप समझ गए तो स्किप कर दो। तो देखो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू क्या लिख दिया, फ्लक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ई इंटू डी डी टी लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू नॉट एन आई लिखेंगे, तो ये सारे की टर्म है जो आपको पहले से पता होने चाहिए, है ना। सो ये ई का वैल्यू एक डी फाई बाई डी टी लिख दिया, यहाँ पे फाई और बी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो आप इजीली बाद में जो है इनमें सब्सटीट्यूट करके आंसर्स मतलब सॉल्व कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। अभी एक और हो गया फाई इज इक्वल्स टू बी ए हो गया, ठीक है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीन चार टर्म है जो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली जो है डिराइव कर सकते हो, एल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। फिर आपको क्या करना है पाई डी स्क्वायर फोर ही डालना है, बस आपको एरिया के जगह पे पाई डी स्क्वायर फोर डालना है। तो बस इतना ही था, और कुछ भी हार्ड टर्म नहीं है, ईजी है एकदम। थोड़ा सा आप डिराइव करो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, तो ईजिली जो है आप सब चीज़ यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। तो हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसको फेस कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ 200 टर्न्स इज 10 मिली हेनरी जो हो गया आपका, ओके। सो यहाँ पे इंडक्टेंस यानी हेनरी होता है ना हमारा, ठीक है। सो इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे 10^-3 में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इज 4 mA। सो क्या है सेल्फ इंडक्टेंस दिया है, एल इज इक्वल्स टू 10 mH दे दिया आपको, है ना। सॉरी गाइस, सो एल का वैल्यू यहाँ पे आ गया 10 mH आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया यहाँ पे, एन इज इक्वल्स टू 200 हो गया। करंट थ्रू द कॉइल क्या हो गया 4 mA हो गया। फ्लक्स एसोसिएट टू द कॉइल क्या बोल दिया यहाँ पे, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, हमारा फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है। सो एल आई लिख दिया हमने यहाँ पे, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज़ को, है ना। सो सब्सटीट्यूट कर दोगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा 4×10^-5। सो फ्लक्स पर टर्न कैसे हो जाएगा आपका, यानी फ्लक्स अपॉन एन लिख दोगे, फ्लक्स अपॉन एन यानी एन का वैल्यू 200 सब्सटीट्यूट कर दो तो आंसर आएगा 2×10^-7 वेबर, है ना। आसान था, एकदम ईजी था, कोई हार्ड टफ नहीं था, खाली आपको जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने आना चाहिए प्रॉपरली। सो फ्लक्स पर टर्न पूछा है तो आप फ्लक्स अपॉन एन ही डालो, ठीक है। सो अगला हमारा आता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड।
सो देखो ये भी जो है रिपीटेड वही सारी टर्म हो जाती है. सो यहाँ पे कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग लेंथ एल दिया है इन्होंने. सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें जो है करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूसर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर रीजन. सो इसमें करंट जो है यहाँ पे करंट कैरिंग जो आपका सोलेनोइड है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर रीजन, यानी जो इंटीरियर आपका इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, आपका फील्ड जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दिया है, लेंथ एल दिया है इन्होंने, एनर्जी यू दे दिया है आपको, एनर्जी स्टोर्ड पर बाय लेंथ यानी यू एस दे दिया है, ठीक है. सो बी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है. तो ये सारे दिए हुए टर्म्स है आपको, ठीक है. सो इसी को यूज़ करके जो है आपको आगे जो है डिराइव करना है सारी चीज़ें. तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, सो उसका वैल्यू आपको लिखना है, राइट. सो यहाँ पे जो यू आप देख रहे हो ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है. स्मॉल यू यानी क्या हो गया आपका, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम समझ के चलो, जो स्मॉल यू है इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सो यू बी अपॉन ए इंटू एल हो गया, जो ए इंटू एल है आपका क्या है यहाँ पे वॉल्यूम है. सो इसको सब्सटीट्यूट कर दो हाफ एल आई स्क्वायर में, आपका जो एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, तो एनर्जी क्या है हाफ एल आई स्क्वायर है, अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया आपका ए इंटू एल हो गया. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एल अपॉन एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन टू ए आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा. सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया यहाँ पे कैसे हुआ. देखो सिंपल है, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम है ना, कैपिटल यू आपका एनर्जी है और अपॉन वॉल्यूम. सो एल आई स्क्वायर क्या है, एल आई स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर आपका क्या है, एनर्जी है, और वॉल्यूम यानी एरिया इंटू एल आप कर दोगे. सो इजीली आप निकाल पाओगे आंसर यहाँ पे. सो एल एच एस आर एच एस में आपको सब्सटीट्यूट करना है बस. सो यहाँ पे एक दिख रहे हो एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए. सो अगेन इसको आप सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे. सो म्यू बी का वैल्यू आपको निकालना है. सो म्यू बी का क्या वैल्यू होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू आई स्क्वायर अपॉन टू ए. सो एल आई का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे, एल अपॉन आई जो था यहाँ पे, अगर आप फॉर्मूला में देख रहे हो एल अपॉन आई जो है इसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमने म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है आई स्क्वायर अपॉन टू ए, इसी को हमने क्या किया है यहाँ पे लिख दिया है. सो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाता है हमको यहाँ पे, म्यू बी इज इक्वल्स टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर. क्लियर, आसान था. देखो नहीं समझ में आ रहा है तो पेपर पेन में लेके पहले डिराइव करो, इसको वीडियो को पॉज कर दो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी का अभी समझो बाद में नहीं तो समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड एट इंटीरियर पॉइंट इज गिवन बाय इक्वेशन. सो बी का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई एन होता है, हमें पता है फॉर्मूला इसका, ठीक है. सो अभी बी का वैल्यू अगर हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आई एन की जगह पे. सो इसको क्या मिल जाएगा हमारा, बी अपॉन म्यू नॉट, सो बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना. सो अगर हम लोग यू बी का वैल्यू निकालते हैं सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट. सो एनर्जी एट एनी पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज बी द इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल मैग्नेटिक फील्ड नो मैटर हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड. सो ये क्लियर हुआ टॉपिक आपका, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये जो यू है छोटा वाला ये आपका जो है एनर्जी पर वॉल्यूम है. सो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दिया एल आई स्क्वायर अपॉन आई टू ए, ठीक है, एल टू ए. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, यू बी तक क्लियर हो गया, एनर्जी और वॉल्यूम का दिया हुआ यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर और आपका वन अपॉन ए इंटू एल आपका आ गया, ठीक है, वॉल्यूम का ये आ गया आपका. सो बस उसी को आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, ओके. सो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी क्या दिया है, स्टोरिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, म्यू बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू. सो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आपका ये आ गया टर्म यहाँ पे, इसी को आपको यहाँ पे म्यू बी के तौर पे निकालना है. सो म्यू बी के इसमें अगर आप निकालोगे तो आपको क्या आएगा वैल्यू, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू ए. सो यहाँ पे ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप, म्यू बी का वैल्यू है, और यहाँ से जो आपका बी का वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको आ ही जाएगा फाइनल आंसर. सो क्लियर है, आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आराम से एनालाइज करो इसको, सो समझ में आएगा आपको, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अभी इसको कैसे देखेंगे कैसे समझेंगे अभी हम लोग एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड को. सो उसके लिए फॉर्मूला पता है आपको एनर्जी का क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, पता ही होगा. सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, मीडियम बिटवीन प्लेन ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी. सो यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी हो गया हमारा, ठीक है. सो क्यू स्क्वायर अपॉन
टू सी या फिर सी वी स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो सी वी स्क्वायर अपॉन टू लिख सकते हैं, है ना। सो वी कैन एस्टिमेट द एनर्जी स्पेंड टू बिल्ड अप अ करंट आई इन अ सर्किट हैविंग इंडक्टेंस एल। सो यहाँ पे ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, हमने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन में कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे वर्क अलोन इन मूविंग चार्ज डी क्यू अगेंस्ट दिस ई एम एफ कैन बी रिटन एज ई W इज इक्वल टू क्या होता है आपका E डॉट डी क्यू होता है, ये हमारा रेगुलर फार्मूला है। सो इसको लिख देते हैं W इज इक्वल टू ई क्यू, राइट। सो यहाँ पे E जो है आपका ये क्या होता है आई आर होता है, E का वैल्यू जैसे E इंड्यूस डी एम एफ है तो E का वैल्यू क्या हो गया आई आर हो गया। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर और Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी याद आ रहा है आपको, आई स्क्वायर आर टी कल 418, तो जूल का फार्मूला है हमारा। वर्क डन। सो देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सो आई स्क्वायर आर किसका आई स्क्वायर आर टी लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क का। सो ई का वैल्यू क्या होता है हमारा, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू होता है। सो ई का वैल्यू आई आर होता है, क्यू का वैल्यू आई टी होता है। सो आई स्क्वायर हो गया, आर टी लिख दो आई स्क्वायर आर टी, है ना। सो ये हो गया आपका वर्क डन हो गया, इसका जो डायमेंशन है वो सेम होगा वर्क डन का, है ना। सो इतना क्लियर हुआ आपको, बहुत आसान था। उसके बाद तो इंटीग्रेट ही करना है आपको, इंटीग्रेट करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा इसका जो फाइनल आंसर है हाफ एल आई स्क्वायर या सी वी स्क्वायर बाई टू। सो हाफ एल आई स्क्वायर यहाँ पे जो है इसका वर्क डन का आंसर हो गया यहाँ पे। सो डी क्यू अपॉन डी टी को क्या है हम लोग आई सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो फार्मूला है यहाँ पे जो ऊपर का फार्मूला है एल आई डॉट डी आई लिख सकते हैं हम लोग इसको। उसके बाद आपको इंटीग्रेट ही करना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एल आई को हम लोग बाहर ले लेंगे और डी आई को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन है छोटा सा यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन ऑफ आई कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर बाई टू लिखेंगे, है ना। सो यहाँ पे आपका आ गया आंसर एल आई, यहाँ पे आपका डी आई। सो एल आई डी आई, तो आई को इंटीग्रेट करना है। 0 to 1 आपका पॉइंट दे दिया है। सो आई को अंदर के बाजू लिखना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका आई डी आई। सो आई का क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर बाय टू। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। ऑल क्लियर, आगे बढ़े। नहीं समझ में आया तो देखो कमेंट बॉक्स जो है अपना 24/7 ओपन रहता है, कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको पर्सनली पूछना है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है _KevalChheda। सो वहाँ पे भी आप जो है पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है वहाँ पर आके आप पूछ सकते हो। सो ये यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक आता है छोटा सा एक एग्जांपल है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है बेसिकली इस एग्जांपल में। सो टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत ही आसान है यार, यहाँ पे भी बहुत छोटा सा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या निकालना है। एम इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है आपको, सो देखो यहाँ पे मेरा पहला केवल छेड़ा जो है, अगर आपको नहीं समझ में आया स्पेलिंग तो उसका लिख देता हूँ। सो यहाँ पे एक ये है केवल छेड़ा, दूसरा जो है यहाँ पे लर्निंग ट्यूटोरियल मेरी चैनल की आईडी है। सो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ये दो आईडी है, एक मेरी पर्सनल है और दूसरी जो है चैनल की है, तो आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे दे दिया है आपको L1 का वैल्यू, L2 का वैल्यू दिया है और कोएफिशिएंट K का वैल्यू दे दिया है। आपको क्या पूछा है, आपको M का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। सो M इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 L2, आपका फार्मूला हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपली। L1 का वैल्यू डाल देंगे, L2 का वैल्यू डाल देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो M का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे, राइट। L1 और L2 का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे 0.75। सो K का वैल्यू डाल दिया और L1 L2 का सब्सटीट्यूट कर दो तो M का वैल्यू आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड एग्जांपल भी जो है यहाँ पे सिमिलर है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ टू कॉइल इज गिवन 1.5 H। द सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है ऑफ द कॉइल R। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे K निकालना है। सो L1 L2 M दे दिया है, तो सिंपल क्या करो, K इज इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे M का वैल्यू। यहाँ पे K इज इक्वल टू पहले लिख देंगे M अपॉन अंडर रूट L1 L2, ये लिख दिया। M का वैल्यू लिख दो 1.5 अपॉन जो आपका 20 हो गया, 5 4 2 अंडर रूट 5 लिख देंगे, 2 2 4 5 20। सो 1.5 अपॉन 2 अंडर रूट 5, इसको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सो टाइमिंग नहीं हो तो, अगर टाइमिंग हो तो प्रिसाइसली आप सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है।
तो फाइनल आंसर आ गया था 33.5%। अगला आता है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफार्मर मतलब वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं यार जो आप कार्टून में देखते हो, कार्टून सीरीज में। ट्रांसफार्मर मतलब यहाँ पे जो है तीन तीन कंपोनेंट है, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है और आयरन कोर दिया गया है। सो अगेन ये भी वही स्ट्रक्चर हो गया हमारा, इज इक्वल्स टू d5/dt, वही सारी चीज़ है इसमें भी। सो बेसिकली इसमें है क्या, ये ट्रांसफार्मर में ये क्या है आपका, ये जो है इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दिया है, आयरन कोर आपका दे दिया गया है और क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द बेसिक ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस टू फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई और वाइस वर्सा। क्या है की पॉइंट यहाँ पे, वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम हाई टू लो और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वैल्यू टू हाई वैल्यू और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ को हम लोग समझ गए यहाँ पे, ठीक है, ऑल क्लियर इतना, क्योंकि डेफिनेशन इसका याद रखना है। इसमें देखो एग्जाम में आपको क्या क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन आप लिख दोगे तो उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा आपको, राइट है। उसके बाद आपका जो हो गया ये आयरन कोर, प्राइमरी आपका हो गया कॉइल और सेकेंडरी कॉइल हो गया, इसका डायग्राम आप बना दो, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो, डायग्राम लिखो, ये चीज़ लिखो, आपको पक्का मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका छोटा है आंसर, अगर क्वेश्चन जितना पूछा गया है। उसके अलावा आप छोटा सा प्रूफ लिख दोगे ना, सो ये भी बहुत चल जाएगा, यानी आपको लिखना है ये इतना पार्ट बस, यस डायग्राम, फिर उसके बाद प्रूफ। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इतना आप जो है आपकी मर्जी से मिर्च मसाला डाल के भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत जो लॉजिकल होना चाहिए। तो इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप डेफिनेशन, डायग्राम और थोड़ा सा प्रूफ लिख देते हो तो। सो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके आंसर का वेटेज बढ़ जाएगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये डेरिवेशन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे डिराइव किया है, वो चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी, सो क्या दिया है, ई इज इक्वल टू माइनस d5/dt इज इक्वल टू माइनस d5 एन पी, यानी प्राइमरी कॉइल का, और जैसे ही सेकंड वाला है वो सेकेंडरी के लिए। सो यहाँ पे क्या दिया है, ES upon EP इज इक्वल्स टू NS upon NP, है ना। देखो एक और बार एक लिख के मैं बता देता हूँ। सो वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन नेबरिंग कॉइल। सो यहाँ पे आपको प्राइमरी कॉइल दिया है, सेकेंडरी कॉइल दे दिया गया है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो, व्हेन AC वोल्टेज इज अप्लाइड इन प्राइमरी कॉइल द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस साइनोसोइडली। कैसे चेंज होगा, साइनोसोइडली चेंज होगा, यानी डायग्राम देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। सो यहाँ पे साइनोसोइडली में आपका कैसे होता है, वो वेव आपको यहाँ पे इस तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू प्राइमरी कॉइल द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस साइनोसोइडली कॉजिंग सिमिलर चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कोर। एज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लाइक्ड विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, EMF इज इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल। सो EMF इंड्यूस होगा आपके दोनों कॉइल में, यानी प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। सो ये लिंक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर जो है आपका डिपेंड करेगा। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंडरी कॉइल का ये जो डेरिवेशन स्ट्रक्चर है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे इनपुट पावर आउटपुट पावर का दिया हुआ है। सो EP इंटू IP इज इक्वल्स टू ES इंटू IS इंड्यूस्ड EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल इंटू करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल, है ना। सो कैसे लिखा है इन्होंने यहाँ पे, रेशियो ऑफ NS upon NP इज कॉल्ड टर्न रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो, इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ फॉर ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो यहाँ पे EP upon IP ये आपको पता होना चाहिए, और एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ES upon EP को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे IP upon IS लिख सकते हो, ठीक है, IP upon IS या NS upon NP लिख सकते हो यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि भाई ये कैसे आ गया, है ना। सो ये NS upon NP कैसे आया, तो EP upon IP का आप देखो ध्यान से, EP into IP का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, EP into IP इक्वल्स टू ES upon IS। सो आप कैसे लिखोगे, जब इसको शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या मिलेगा, ES इज इक्वल टू IS upon IP, है ना। तो EP upon ES इज इक्वल टू IS upon IP, बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, हुआ कि नहीं, सेम हुआ कि नहीं,
दोनों सेम है, ई एस अपॉन ई पी से अगर आप कंपेयर करो तो आपको एल एच एस आर एच एस में शिफ्ट करना है खाली, ठीक है। सो आ जाएगा पहला कंडीशन क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ पे ई एस का वैल्यू जो है बड़ा है ई पी से। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है आपको, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ पे ई एस का वैल्यू क्या है छोटा है ई पी से, ठीक है। सो दो कंडीशन है यहाँ पे, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज़ लेस देन इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंड केस में क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल इज़ लेस देन, और फर्स्ट केस में क्या है, ठीक है गाइस। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। देखो गाइस लाइक करना मत भूलो, बहुत ही एफर्ट लगा है, सेकेंड टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कुछ ग्लिचेस हो गए थे, ठीक है। सो सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़, ओके। सो थैंक यू एंड बाय बाय।